के और भी काफी सारे स्टॉक्स कंसीडर करने के लायक है। कल सीमेंट्स में बढ़िया मूव आ रहा था, दालमिया भारत, जेके सीमेंट, गजब के टॉप मूवर्स थे स्पेस के। और मेरे ख्याल से दालमिया भारत का तो रोल ओवर भी स्टैंड आउट कर रहा है अब तक इस पूरे स्पेस में। वैसे रोल ओवर का डेटा तो खैर क्रॉस द बोर्ड सीमेंट के लिए आमतौर पर स्ट्रांग रहता है। ठीक है, दालमिया भारत दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ है, खरीदारी करने का कॉल अब फिर से आता हुआ, और देखिएगा बाकी सही है। एसजेक्स निफ्टी जिस तरह 10 पे गैप अप इंडिकेट कर रहा है, क्या वाकई इस लेवल्स के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं? नहीं, खैर वो तो जब वास्तविकता के करीब आएंगे तब रिविजिट कर लेंगे स्ट्रैटेजी को। दालमिया भारत हो गया एक बाय कॉल। मानस, आपने क्या पकड़ा है, क्या रडार पे है? देखिए, मेरे रडार पे इपका लैब है आशीष जी, और इपका लैब को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को कल ब्रीच किया। एक प्राइस रेजिस्टेंस था 1040, उसको ब्रीच किया, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देख, तो मेरा समझना है कि इपका लैब में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1110 रुपए के टारगेट सेट करें, 1034 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और डिस्क्लेमर ये कि इसमें मेरा कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। वायदा का वैसे इपका लैब्स मेरे ख्याल से टॉप परसेंटेज मूवर भी था, 6% के उछाल के साथ इपका लैब्स में कामकाज, और कई दिनों के एक रेंज में सिमटने के बाद कल बढ़िया एक ग्रीन कैंडल कह लीजिए, गाढ़ी ग्रीन कैंडल यहां पे बनती हुई। मानस को पसंद आ रहा है, 1110 के टारगेट्स के लिए इपका लैब्स में करिएगा अप्रोच। गावसर, गुड मॉर्निंग। गावसर क्या कहती है, ओवरनाइट स्टडी, कौन सा स्टॉक? गाबा सर अनम्यूट करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। कोई इशू स्टॉक नहीं, जो मैंने चुना है इस वक्त वो है एसीसी। एसीसी में एक बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है सीमेंट क्षेत्र से, और एक ब्रेकआउट मिला था कल, और फिर कंसोलिडेट हुआ और अप मूव में क्लोज हुआ। इसका जो टारगेट है मिनिमम 2160 है, लेकिन हायर जोन भी देखने को मिल सकते हैं एसीसी में, और स्टॉप होगा कह सकते हैं करीब करीब 2080 का एसीसी। एसीसी याद रखिएगा, आपके स्क्रीन पे जरा प्लीज एसीसी लेके आइए, आपके स्क्रीन पे 2129 पे याद रखिएगा, कल क्लोज हुआ। पूरे सीमेंट स्पेस में अगर आप देखें, कल 2 बजे के आसपास काफी स्ट्रांग मूव आया था, उसमें अगर आप देखें एसीसी भी शामिल था, 2129 के जोन में क्लोज हुआ कल। इसने अपना आप समझ लीजिएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट लिया काफी दिनों बाद 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छूने का। प्लीज एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट भी लेके आइएगा। कल आशुतोष और मैं जब क्लोजिंग में बात कर रहे थे तो हमने आशीष एक खास कार्यक्रम किया था कि भाई सीमेंट में हो क्या रहा है, एग्जैक्टली पिक क्या होनी चाहिए, टॉप पिक इस वक्त प्राइसिंग कैसी है, डिमांड कैसी है। वहां पर हमारे साथ विशेषज्ञ थे, उनकी 3 टॉपिक्स थे, एक था जेके सीमेंट, एक था बिरला कॉर्प, और दूसरा था अल्ट्राटेक सीमेंट लार्ज कैप में। जरा प्लीज एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट लेके आइएगा। एक बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप हुआ था यहाँ पे, रोल ओवर 60%। मानस, एक बात यहीं पे टच बेस करना चाहूंगा मैं यहाँ पर, आपको लग रहा है कि सीमेंट में ग्रेजुअली मूव आ रहा है, और उसमें आपको प्ले करना हो तो क्या प्ले करेंगे? कल पूरे सीमेंट में मूव था, एंड स्पेशली अल्ट्राटेक सीमेंट। एक जितने भी सीमेंट